मेरा कोई ऑर्गन डोनेशन से मेरा कोई भी मैं जुड़ी हुई नहीं थी, पर 3 साल पहले एज अ एक्ट्रेस मुझे एक ऑर्गन डोनेशन के फिल्म में रोल मिला था। पर मैं लिखती भी हूँ तो मैंने स्टोरी पूछी और मुझे स्टोरी इतनी खास नहीं लगी, तो मेरे एक डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई, वो अच्छी लगी। इस तरह से मैं ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी। और मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं टेक्निकली मैंने बहुत उसके बारे में पढ़ा, जानकारी हासिल की, फिर मुझे समझा कि इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और इसके लिए अगर हमको लोगों तक पहुंचाना है तो डिजिटल मीडिया इज़ द ओनली वे आउट फॉर दिस। अगर हम ये लोगों तक किसी कहानी के माध्यम से पहुंचाते हैं तो लोगों को याद रहेगा। आपको जान के खुशी होगी कि मेरी जो सबसे पहली फिल्म थी हैप्पी बर्थडे टू यू, जो मराठी में है, वो फिल्म देख के एक साउथ इंडियन आदमी ने अपनी माँ के आँखें डोनेट की। उन्होंने हमें बताया फ़ोन करके कि जब ही मैं उस मुकाम पे था, जब भी मुझे ये डिसीजन लेना था, मेरे आँखों के सामने वो मूवी आई और मैंने वो डिसीजन लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी एक शॉर्ट फिल्म के वजह से अगर किसी को आँखें मिल सकती तो उससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। तो ये करना चाहिए, ये सोच के मैं हर साल एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ जो ऑर्गन डोनेशन पे है। 3 साल से मैं कर रही हूँ, ये मेरा 4th साल है। इस साल बड़ा प्रोजेक्ट था तो मैंने शैलेश जी को अप्रोच किया एंड ही रेडीली एक्सेप्टेड टू पुट प्रोड्यूस दिस म्यूजिक वीडियो विच इज़ अ कम्प्लीटली नॉन कमर्शियल। मीन्स किसी को भी नॉन कमर्शियल चीज़ में पैसा नहीं डालना है, बट ही वॉन्टेड टू टेक अप दिस एज अ सोशल कॉज एंड दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। आई एम वेरी हैप्पी and I want all of you to join hands with us and spread this to more and more people, you know. अगर आप आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हो तो ही इस गाने का सक्सेस है, अदरवाइज ये बना के मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़ एवरीबडी डू दिस एंड स्प्रेड दिस टू मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू।